आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये एक असेसन रीजन क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें सबसे पहले चेक करना असेसन और रीजन को, दोनों ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद हमें चेक करना रीजन दिया गया है, असेसन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। चलिए देखते हैं असेसन में क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि असेसन में जब हम आइसोब्यूटेन होता है उसको किसके रिएक्ट करा रहे हैं, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट दिया गया है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, हायर परसेंटेज में बनता है। चलिए देखते हैं हम प्रोडक्ट कैसे बनता है और रिएक्शन क्या होती है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास आइसोब्यूटेन क्या होता है, CH3 और ये होता है CH3। ये हमारे पास आइसोब्यूटेन होता है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हम लाइट के प्रेजेंस में Cl2 डालेंगे, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, Cl2 रेडिकल्स में टूटेगा। और ये वाला जो कंपाउंड है ये भी क्या है, रेडिकल्स में टूट सकता है। अब इसके पास देखिए ये वाले कार्बन, तीनों कार्बन जो है ये तो एक टाइप के हैं और ये एक दो टाइप का, मतलब सेकंड टाइप का कार्बन है। मतलब इसके अंदर दो टाइप के कार्बन है, तो हमारे पास दो टाइप के रेडिकल जनरेट होंगे इससे। एक देखिए किस टाइप का रेडिकल जनरेट हो सकता है, CH3। एक तो ये टाइप का रेडिकल जनरेट हो सकता है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, ये देखिए CH3 CH CH3 CH2। हमारे पास सेकंड टाइप का रेडिकल ये जनरेट हो सकता है। तो हमारे पास देखिए प्रोडक्ट देखिए, अभी इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, दोनों के प्रोडक्ट बना लेते हैं हम। इनसे दोनों पे Cl रेडिकल को अटैक करवाएंगे, इस पे भी Cl रेडिकल को अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा देखिए CH CH CH3 CH2 Cl, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। और इस पे जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH3 और ये आएगा हमारे पास Cl। ये वाले दो प्रोडक्ट आए। अब देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी। अब देखिए इसमें जो H था, जो 3 डिग्री कार्बन ये बताने के लिए जो H था, ये वाला जो H है कितने नंबर है, नंबर ऑफ H देख कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ H कितने थे, एक। इसके अंदर नंबर ऑफ H कितने थे, नंबर ऑफ एच देखते हैं। ये देखिए तीन, ये जो इस कंपाउंड में ये वाले तीन, तीन छः और तीन नौ, तो नौ के नौ एच सेम टाइप के हैं, 9H है, जो 9 रिप्लेसेबल एच है। अब इनकी देखते हैं रिएक्टिविटी कितनी होगी, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एच देखते हैं कितने हैं, एक एच है रिप्लेसेबल। अब देखिए जो 3 डिग्री रेडिकल बना, इसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है हमारे पास, इसकी रिएक्टिविटी होती है हमारे पास 5। रिएक्टिविटी देखते हैं 3 डिग्री की, रिएक्टिविटी 3 डिग्री की होती है हमारे पास, रेशियो में 5 भी होती है। और मान लेते हैं हम जो फर्स्ट डिग्री होती है वो होती है 1 के मान लेते हैं, मतलब के एक कॉन्स्टेंट है, रेशियो में होती है 1:1, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की होती है। रिएक्टिविटी किस रेशियो में होती है, 5:3.8:1, इस तरीके का रेशियो में होती है। तो हम एक के कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी ये आ गई। अब हम इनकी क्वांटिटी को परसेंटेज निकालने लिए, तो परसेंटेज इस प्रोडक्ट की परसेंटेज निकालने के लिए तो हमारे पास इतने कितने हाइड्रोजन थे रिप्लेसेबल, 9 को टोटल रिएक्टिविटी से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है कि इसकी हाइड्रोजन कितनी है, 1 रिप्लेसेबल, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है, 5K, मतलब ये क्या 1K, अभी 5K इंटू 1K प्लस 9K, ठीक है। अभी इसके रेशियो कितना है, 9:14। अब इस वाले प्रोडक्ट का आया, ये किस वाले, इस वाले प्रोडक्ट का। अब इस वाले प्रोडक्ट का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज निकालते कितनी आएगी, तो हमारे पास क्या आएगी, 5:1, मतलब 5K into 1 आएगा, मतलब सॉरी क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है, 1 है ये, तो 5 तो क्या है, इसकी रिएक्टिविटी है 5K, इसकी रिएक्टिविटी है, तो क्या होगा, मतलब 1:5K अपॉन में क्या है, टोटल आएगा, टोटल कितना आएगा, 9K प्लस 5K, क्या आया, 5:9K, ऊपर K था तो K से K कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया, 9:14, और ये कितना आया, 5:9, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 9:14 ज़्यादा है, तो मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, मेजर कंपाउंड बन रहा है हायर परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम टुवार्ड्स 3.8, 5, 3 डिग्री 2 डिग्री ये होती है, मतलब ये रिएक्टिविटी सही है, ये सही दी गई है रेशियो के अंदर। देखिए हमने ये लिखी थी 3 डिग्री रेडिकल, 2nd डिग्री रेडिकल और 1st डिग्री रेडिकल की रिएक्टिविटी किस रेंज में होती है, 5, 3.8 और 1, क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन होता है वो टुवार्ड्स क्लोरीनेशन इस तरीके की रिएक्टिविटी शो करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हमारा जो
रीजन जस्टिफाई क्या कर रहा था कि हमारे पास ये इसकी वजह से तो रिएक्टिविटी की वजह से तो कि ये आना चाहिए मेजर प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थी, इस वजह से क्या हुआ ये प्रोडक्ट मेजर बना, क्योंकि इस टाइप के हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ही ज़्यादा बना है, इस वजह से क्या हो गया रीजन सही है, असम्पशन भी ट्रू है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती है, जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्योंकि इसके पास 9 ऐसी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थी जिससे ओवरऑल क्वांटिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।